नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 5 अप्रैल के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकता है और इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। अगर आप दोस्तों जनवरी फरवरी और मार्च की करंट अफेयर की PDF चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है और उसकी प्राइस रहेगी दोस्तों मात्र 20 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, चलिए अब हम डेज का रिविजन कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया था और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो याद रखिएगा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 59वां वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसको 59वां कर दीजिएगा दोस्तों। यह दिन हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में माल के परिवहन के लिए सबसे अच्छी तरह से संगठित, सुरक्षित और ध्वनि के रूप में पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। ठीक है, और पहली बार 5 अप्रैल 1919 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था और इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को वरुण पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, अवादा एनर्जी लिमिटेड मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30,000 करोड़। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? तो ये 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। पिछले वर्ष दोस्तों कुल सकल राजस्व प्राप्ति कितनी थी? तो ये थी 57,720 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस वर्ष कितनी है दोस्तों? 67,609 करोड़ रुपए। तो कुल दोस्तों 17.13% की बढ़ोतरी हुई है सकल राजस्व प्राप्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये नर्मदापुरम से है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों नर्मदापुरम जिले के बाबई क्षेत्र में हुआ था और बाबई का नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो ये माखन नगर कर दिया गया है और जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। ठीक है, 1890 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1968 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से माखनलाल चतुर्वेदी को कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1963 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में उज्जैन का गौरव दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 अप्रैल। और दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया है। तो यहाँ कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए गए 772। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर राजस्थान है, राजस्थान में 532 वुल्फ पाए गए हैं और गुजरात में 494 वुल्फ पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? एक तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, वल्चर स्टेट और नदियों को माइका भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। और दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1967 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में लागू किया जा रहा है दोस्तों? तो ये विदिशा में लागू किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इसके भी डायरेक्टर कौन है? तो ये है CR मेहता। और दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को।
और देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी कौन सी बनेगी? तो ये भोपाल बनेगी, भोपाल बनेगी। और मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है? दोस्तों मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह, तीनों का। मध्य प्रदेश में बोन मेरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो रीवा, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, चारों डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए दोस्तों, आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ भी करेंगे, ठीक है। दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में जेंडर बजट कितने प्रतिशत है? तो ये 27% है, ठीक है। तो ये इस माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे दोस्तों, इसका रिविजन कर लिया है हमने। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को कायाकल्प योजना के तहत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों तो ये पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पांचवा स्थान। तो देखिए दोस्तों, ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को कायाकल्प योजना के तहत पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही चिकित्सकीय सुविधाओं की श्रेणी में मध्य प्रदेश में इसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जिले को स्वच्छता, जल संरक्षण के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई दोस्तों, और जिले के 36 स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाएं, रखरखाव व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन की ओर से कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। इंदौर के कलारिया उप स्वास्थ्य केंद्र ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह दोस्तों, इंदौर का शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाणगंगा हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका सर्वे में चयन कर कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आजाद नगर को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2,00,000 रुपए तथा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाणगंगा को 10,00,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी पीईबी की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो दोस्तों इसके भी नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? मलय श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसके पहले कौन थे दोस्तों? तो ये आईसीपी केसरी थे, ठीक है। अभी नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए दोस्तों पीईबी के? तो ये ACS मलय श्रीवास्तव। और बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, तो देखिए दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1970 में हुई थी और इसको पहले हम व्यापम के नाम से जानते थे। देखिए दोस्तों, अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ियां देखी गई थी। इसके लिए दोस्तों पुलिस भर्ती के लिए चयन बोर्ड बनेगा और स्पेशल डीजे के हाथ में रहेगी पूरी कमान। इसमें जो बोर्ड के मेंबर होंगे दोस्तों वो IPS और IAS अफसर होंगे और इसका जो मुख्यालय है वो श्यामला हिल्स भोपाल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लॉन्चिंग कहाँ की है दोस्तों? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लॉन्चिंग की है, ठीक है। और डेट याद रखिएगा दोस्तों, कब की है ये? 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 4/4/2022 को। और कार्यक्रम में अनेक केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मध्य प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय स्तर के प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा के अधिकारी भी उपस्थित थे दोस्तों। ये मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 3,00,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें विभिन्न योजना में निर्मित की गई है। बिजली का उत्पादन 5,000 मेगावाट से बढ़ाकर 21,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। कई बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को गेहूं उपार्जन में पीछे छोड़ दिया है। और मध्य प्रदेश का जो गेहूं है दोस्तों वो अमेरिका सहित अनेक देशों में निर्यात होता है। अब गेहूं के निर्यात के लिए प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं और प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित सिंचाई रकबा 43,00,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा योजना की मंजूरी से मध्य प्रदेश के बड़े इलाके को लाभान्वित करने की पहल की है। और दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो ये बुंदेलखंड होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में अन्य नदी जोड़ो परियोजना भी क्रियान्वित हो रही है। मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो 19.7% देश में सर्वाधिक है और देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% का योगदान दे रहा है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 48,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है और जल जीवन मिशन के कार्यों में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुपोषण की समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी अभियान भी चलाया जा रहा है।
और दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान उपाध्यक्ष है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश के नीति एवं योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष है, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा सचिन चतुर्वेदी जी के द्वारा। तो दोस्तों इन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां शोधकर्ताओं के लिए सीएम फेलोशिप स्थापित की गई है और MPCDR रिपोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है और विशेषकर कोविड काल में मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल को सराहा गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स कमीशन को स्थापित किया जा रहा है जो जिला स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद को मापने का कार्य करेगा। पिछले 3 क्वार्टर में लगातार मध्य प्रदेश का आंकड़ा बाकी अन्य राज्यों से काफी आगे रहा है और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 14 राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 5 अप्रैल 2022 को ऊर्जा साक्षरता अभियान मोबाइल ऐप का लॉन्च कौन करेंगे? दोस्तों तो ये करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग 5 अप्रैल को ऊर्जा भवन के सभागृह में ऊर्जा साक्षरता अभियान के मोबाइल ऐप का लॉन्च करेंगे। लोगों को ऐप का लाभ दोस्तों ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने तथा पंजीयन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने में मिलेगा और ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरजार दंडोतिया भी मौजूद रहेंगे और हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा के प्रति आमजन को साक्षर करने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में सभी वर्गों को जोड़ा गया है। ऐप से विभिन्न रूप से ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले लोग, किसान, गृहिणी, व्यवसायी, छात्र छात्राएं, नौकरी पेशा आदि को ऊर्जा एवं उसकी खपत के संबंध में व्यापक जानकारी भी मिल सकेंगी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्वालियर। और दोस्तों इसका गठन कब किया गया था? तो 1984-5 में इसका गठन किया गया था। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, RCVP नरोमा प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, मसूरी, मुंबई या भोपाल? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। कल जो क्विज होता है हमारा 151वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है दोस्तों वो किसकी आई है? वंदना की आई है, सेकंड रैंक खुशी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो रानी की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।